आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने लक्ष्य में लगे होंगे, परिश्रम चल रहा होगा, मेहनत चल रही होगी। तुलसीदास भी मानस में लिखते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी जो कर्मयोगी है, संसार उन्हीं के लिए बना हुआ है। वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरा को वही भोगता है जो वीर है। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुरुषार्थ करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तो तभी मिलेगा जब धर्म अर्थ और काम ये तीनों टनाटन रहेंगे। मैं बार बार लोगों का इतिहास पढ़ाता रहता हूं। आखिर इतिहास क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि भाई जीवन पर्यंत उनने संघर्ष तो किया है, और जो संघर्ष करता है वही मुकाम हासिल करता है, और जो मुकाम हासिल करता है उसी का इतिहास बनता है। तो इसीलिए आज मैं फिर कुल मिला के कहने के एक व्यक्ति को लेकर आया हूं। आप देख रहे हैं मेरे बोर्ड पर है, जिसका नाम इल्तुतमिश है। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसी का मालिक था, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी कुल मिला के ऐबक को कहा गया है। इसी ऐबक का एक गुलाम है जिसका नाम था इल्तुतमिश। और थोड़ा सा मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा गया है, लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसी विषय को लेकर मैं आना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ठीक है ऐबक हैं, लेकिन इस व्यक्ति को अगर मैं कहना चाहता हूं तो यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं वास्तविक संस्थापक कहना चाहता हूं कि भाई ये वास्तविक संस्थापक है। तो आप कहेंगे सर इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जा रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने में बहुत बड़ा इसका रोल है। परमानेंसी अगर दिल्ली सल्तनत को देखा जाए, जो परमानेंट व्यवस्था है, स्थायित्व अगर दिल्ली सल्तनत में है, तो कुल मिलाकर इल्तुतमिश के कारण है। क्योंकि इल्तुतमिश के जीवन में इस दिल्ली सल्तनत के समय रहते हुए बहुत सी समस्याएं आई, और उन समस्याओं को कैसे हल किया, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। यदि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की अगर बात मैं इल्तुतमिश को करूं, तो थोड़ा सा क्या क्या कारण है ये आप जानिए। देखिए, पहला ही कारण अगर मैं यहां पर लेकर आना चाहता हूं, तो पहला कारण यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐबक जब दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर रहा है, तो वो लाहौर को कैपिटल बना रहा है, वो दिल्ली को कैपिटल नहीं बना रहा है। लेकिन पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या बनी? दिल्ली बन रही है। यानी कि कैपिटल क्या बना? दिल्ली बना। मैं वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा मेरी शुरू हो गई है। तो वास्तविक संस्थापक के लिए पहला कारण तो यह है कि भारत की राजधानी अब दिल्ली बनने जा रही है। यानी दिल्ली सल्तनत जो बन रहा है, वो उसकी पहली राजधानी दिल्ली बनाने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया है। इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, बाद में कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसमें मैं कहानी में नहीं जाना चाहता हूं। तो दिल्ली सल्तनत का कुल मिला के कहने के दिल्ली को कैपिटल बनाने का काम पहली बार इल्तुतमिश कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा काम उसने क्या किया कि कुल मिला के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के पश्चात सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति है। मुस्लिम इतिहास में पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है, उसका नाम महमूद गजनवी है। आपको मालूम होना चाहिए कि 998 ईस्वी में जब गजनी की गद्दी पर कुल मिला के कहने के बैठा था महमूद, तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान का मतलब होता है एक तरह से मान लीजिए प्रशासक या प्रतिनिधि, तो सुल्तान की उपाधि। लेकिन उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कोई व्यक्ति ऐबक जरूर गद्दी पर बैठे हैं, लाहौर की गद्दी पर, लेकिन वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किए हुए हैं। क्यों नहीं धारण किए हैं? क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उसको दासता से मुक्त नहीं किया था। और इल्तुतमिश जो है, मैंने अभी कहा कि ऐबक का गुलाम है, यह दास्ता से पहले ही मुक्त हो चुका है। बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आप तो इतना मानकर चलिए कि दिल्ली को पहली बार कैपिटल बनाने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया है। दूसरा क्या काम किया कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि पहला व्यक्ति जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है वो सुल्तान की उपाधि धारण कर रहा है। तो ये दो कारण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा थोड़ा तीसरा कारण समझ लिया जाए, तीसरे कारण पर मैं आना चाहता हूं। तो थोड़ा सा इस पर आ जाइए जो समझने में बड़ा आसानी रहेगा। ये आपका मान के चलिए कि ये दिल्ली है, ये दिल्ली कैपिटल है, और मैंने अभी कहा कि इल्तुतमिश दिल्ली के कुल मिला के सुल्तान बन चुके हैं।
इस समय ये जो स्थिति है ये गजनी की मान लिया जाए कि ये गजनी है, गजनी बहुत बड़ा सेंटर था, ये बीच में लाहौर है, ये लाहौर मान लिया साहब कि ये लाहौर हो गया, इसके बाद ये मान लिया ये सिंध हो गया। अब जरा समझिएगा, ये थोड़ा सा इसको इधर यहां कर दिया जाए, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये यहां तक कुल मिला के पंजाब का एरिया है, पंजाब लाहौर भी पंजाब का हिस्सा था। तो इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि गजनी की गद्दी पर इस समय मोहम्मद गौरी जब मर जाते हैं तो उसके पश्चात उनका भतीजा गयासुद्दीन बैठता, गयासुद्दीन की जब 1208 में डेथ हो जाती है तो मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम है, पहले मोहम्मद गौरी यहां बैठा था गजनी के सिंहासन पर, उसके बाद यहां एल्दौज ताजुद्दीन एल्दौज गद्दी पर बैठा। अब जरा समझिएगा, गजनी की गद्दी पर कुलना के गजनी के सिंहासन पर ताजुद्दीन एल्दौज बैठता है, यहां नासिरुद्दीन कुवाचा नाम का एक कुलना के व्यक्ति बैठता भी मैं बताने वाला हूं, यहां लाहौर की गद्दी पर ऐबक बैठता है। अब जरा समझिएगा, इल्तुतमिश कहां बैठे हैं, दिल्ली की गद्दी पर, इल्तुतमिश कहां बैठे हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। अब जरा समझिए, मोहम्मद गौरी की डेथ के पश्चात ताजुद्दीन एल्दौज यहां गद्दी पर बैठा, उसका भतीजा बैठा उसके भतीजे की मौत के बाद, तो ताजुद्दीन एल्दौज गजनी की गद्दी पर बैठा है, नासिरुद्दीन कुवाचा कुलना के सिंध की गद्दी पर, और ऐबक लाहौर की गद्दी पर, और ये तीनों गुलाम थे किसके, मोहम्मद गौरी के। यानी ताजुद्दीन एल्दौज, नासिरुद्दीन कुवाचा और कुलना के ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। लेकिन मैंने अभी कहा कि 1200 कुलना के 10 में लाहौर में चौगान खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर कुलना के ऐबक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये दोनों तो जिंदा है। और जब लाहौर की कुलना के कने की गद्दी पर है तो ये क्या करता है, एल्दौज लाहौर पर कब्जा कर लेता है, एल्दौज क्या करता है, लाहौर पर कब्जा कर लेता है, किसके मरने के बाद, ऐबक के मरने के पश्चात। और बेचारा ये जो इल्तुतमिश है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो एल्दौज ने तत्काल इल्तुतमिश से कहा कि सुनो, तुम मेरे मित्र के गुलाम हो, भाई ऐबक का गुलाम है तो तुम मेरे मित्र के गुलाम हो, इसीलिए मेरी भी गुलामी यानी आधीनता को स्वीकार करो। 1211 की घटना है, ताजुद्दीन एल्दौज ने तत्काल इल्तुतमिश के पास फरमान भेजा, मेरी आधीनता को स्वीकार करो, खिल्लत भेजी, मेरी आधीनता को स्वीकार कर। यदि इल्तुतमिश उस समय लड़ गया होता, इल्तुतमिश कहता कि नहीं हम तुम्हारी आधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, और कहेगा कि कुल मिला के कहीं कहीं इससे लड़ जाता, तो इल्तुतमिश मिट जाता कि नहीं मिट जाता। अरे भाई साहब, लड़ने के लिए ताकत भी तो होनी चाहिए, आप इस बात को समझिए, इल्तुतमिश कितना जो है समझदार और विवेकशील व्यक्ति है कि ये नीति यह कहती है कि जब तक हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं तब तक समझौता कर लो। आप इस बात को समझिए, भारत की विदेश नीति में पहले बहुत सी गलतियां हुई हैं। 1959 में तुमने दलाई लामा को शरण तो दे दिया, लेकिन दलाई लामा को शरण देने के बाद हमको मिला क्या, 62 में चाइना से हमारी दुश्मनी हुई और युद्ध हुआ, और 38,000 वर्ग मील जमीन भी हमको अपने हाथ से देनी पड़ी, 38,000 वर्ग मील भी हमें जमीन दें। यानी कि हम ऐसा राजनीतिक ऐसा कुलना के, आप देखिए जरा, राजनीति में कभी भी यह कहा जाता है कि कमजोर का साथ कभी नहीं देना चाहिए, आध्यात्म धर्म अलग बात है, लेकिन राजनीति यह कहती है कि कमजोर का साथ मत दो। दलाई लामा को देने के पीछे अगर यह मनसा मान सकते हैं कि हम तिब्बत को बफर जोन बनाना चाहते थे जिससे हमारा चीन से और हमारी सीमा नहीं टकराए, लेकिन वो भी तो नहीं हो पाया क्योंकि हम ताकतवर इतने नहीं थे, तिब्बत भी कुलना के हमारे हाथ से निकल गया, दलाई लामा यहां आ गए, तिब्बत भी चाइना के हाथ में चला गया, साथ में 38,000 वर्ग मील जो है, आप देखिए कुलना के पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कश्मीर घाटी के उधर का जो पूरब का भाग है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो आपकी जमीन भी गई, आपके तिब्बत भी निकल गया, और आप कुलना के शरण दिए, युद्ध भी हुआ, आपका नुकसान भी हुआ। यार इससे कुलना के मेरी समझ ऐसी विदेश नीति की जरूरत क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि इल्तुतमिश कितना समझदार व्यक्ति है कि उसको लगा कि अगर मैं इससे लड़ जाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या किया उसने, कहा एल्दौज ने कहा कि मेरी आधीनता को स्वीकार करो, उसने कहा भाई साहब मैं स्वीकार कर रहा हूं। 1211 में उसने पूरी तरह से आधीनता को स्वीकार कर लिया। कब तक स्वीकार किया, जब तक ताकतवर नहीं बन जाऊंगा, और फिर हुआ भी यही। अंततः 5-6 साल के बाद 1216 या 1217, ध्यान रखिएगा, 1216-17 में अंततः इन 5-6 सालों में इल्तुतमिश ने जब अपने को ताकतवर बना लिया तो एल्दौज को चुनौती दी कि आ जाइए तराइन के मैदान में। और तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में हुआ है, और जिसमें एल्दौज पराजित होते हैं, मारे जाते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि दिल्ली सल्तनत की है। और जब एल्दौज मारा गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल्दौज के मरने के पश्चात ये जो गजनी है और ये जो दिल्ली सल्तनत है ये पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए, इनका संबंध हमेशा के लिए खत्म। अब गजनी की गद्दी पर बैठकर कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारे अंडर में दिल्ली सल्तनत है,
इस प्रकार से गजनी और दिल्ली का संपर्क हमेशा के लिए काटकर और दिल्ली स्वतंत्र सल्तनत को स्वतंत्र सल्तनत के रूप में स्थापित करने का काम इल्तुतमिश ने किया है, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दिल्ली को कैपिटल बनाना वो ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करना ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के लिए कि इसके समय में दिल्ली एक स्वतंत्र सल्तनत के रूप में स्थापित हो गई। क्लियर? अब जरा और आगे बढ़िए। तो एक तो मैंने ये बताया, और चौथा कारण क्या हो सकता है यह थोड़ा समझने की जरूरत है। इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि इल्तुतमिश धीरे धीरे कुन्ना के क्या कर रहा है कि राजपूत राजाओं पर भी शिकंजा कसता जा रहा है, इधर मध्य भारत में उज्जैन पर के ऊपर भी, मतलब धीरे धीरे उज्जैन की तरफ भी अभियान कर रहा है और धीरे धीरे अपनी शक्ति को पूरी तरह से संगठित कर रहा है। अपनी शक्ति को पूरी तरह से, जो यहां इंटरनल जो राजपूत शक्तियां हैं उनके ऊपर भी दबाव बना रहा है, उनके खिलाफ भी अभियान कर रहा है, उनको भी जीत रहा है और अपना प्रभाव धीरे धीरे अंदर भी स्थापित कर रहा है और जो बाहरी शक्तियां उनसे भी निपट रहा है। यानी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस सल्तनत को जो बाहर से कुल मिला के कोई ना कोई समस्याएं हैं उनका भी सामना कर रहा है। जब युद्ध की जरूरत पड़ती है तो युद्ध करता है, जब समझौते की जरूरत पड़ती है तो समझौता करता है। इसी कारण से उसकी कुल मिला के नीतियां समय और परिस्थिति के अनुसार या दुश्मन के अनुसार बनती और बिगड़ती रहती हैं, क्योंकि वो एक विवेक वाला व्यक्ति है, वो समझदार व्यक्ति है और इसीलिए वो दिल्ली सल्तनत को हर दृष्टि से सुरक्षा कर रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। मैंने अगर ये मान लिया कि सिंधु नदी है, जरा समझिएगा, और इस समय ये मध्य एशिया का जो बेल्ट है, मध्य एशिया में एक बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति है जिसका नाम है चंगेज खां। चंगेज खां 1221, चंगेज खान ने सेंट्रल एशिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तैमूचिन नाम है, उपाधि है चंगेज खान, मध्य एशिया में उससे कोई टकराने वाला व्यक्ति नहीं है। तो चंगेज खान क्या कर रहा है, चंगेज खान ने जब ईरान के ऊपर हमला किया और इससे ईरान का जो पूर्वी हिस्सा है जिसको ख्वारिज्म कहते हैं, जब इसको जीत जात लेता है तो ईरान का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की तरफ भागता है, और भारत की तरफ भागता है तो उसको यह लगता है कि मुझे दिल्ली से मदद मिलेगी। मैंने अभी क्या कहा कि चंगेज खान ने पूरे मध्य एशिया को जीत रखा है, ईरान पर हमला करता है चंगेज खान, वहां का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी मदद की आशा से दिल्ली सल्तनत की तरफ मूव करता है कि मुझे इल्तुतमिश मदद करेगा। इसी समय चंगेज खान भी कुलना के उसका पीछा करता हुआ आ रहा है और चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आकर रुक गया। चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर आकर रुक गया। क्या देख रहा है चंगेज खां ये सिंधु नदी के तट से देख रहा है कि हम देखें कि हमारे दुश्मन की मदद करता है कि नहीं करता है। आप देखिए कि इल्तुतमिश कितना समझदार व्यक्ति है। वो कुलनांगे मंगबरनी जब यहां पर आया तो मंगबरनी कुलनांगे किससे मदद मांगने के लिए आया, इल्तुतमिश से। तो मंगबरनी जैसे इल्तुतमिश से मदद मांगने के लिए अपने राजदूत को भेजता है तो ये देखता है कि देखें ये हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन का जो मित्र होगा वो हमारा भी कुलनांगे दुश्मन होगा। चंगेज खान यहां देख रहे हैं और इल्तुतमिश को लग गया कि अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो मेरी दुश्मनी किससे हो जाएगी, चंगेज खान से हो जाएगी। जो चंगेज खान कहां है, इस समय कुलना के सिंधु के तट पर है। तो इससे दुश्मनी का मतलब क्या है कि पूरे दिल्ली सल्तनत को तहस नहस। आपको मालूम होना चाहिए इल्तुतमिश ने तत्काल कुलना के जलालुद्दीन मंगबरनी का ये राजदूत जो दिल्ली में गया था उसकी हत्या करवा दी, और हत्या करने के बाद मंगबरनी को मैसेज दे दिया कि यही हाल तुम्हारा कर देंगे, भाग जाओ। यानी कि इल्तुतमिश समझ गए थे कि अगर इनकी मदद का मतलब है चंगेज खां से लोहा लेना, और चंगेज खां से लोहा लेने की ताकत मेरे में नहीं है, इसीलिए मंगबरनी को भागना पड़ता है। मंगबरनी को दिल्ली मदद नहीं दी, इल्तुतमिश ने मदद नहीं दी, मंगबरनी भाग रहे हैं, सिंध की तरफ भाग रहे हैं। इस प्रकार से चंगेज खां को जब लगा कि ये मेरे दुश्मन की मदद नहीं कर रहा है तो चंगेज खां सिंधु नदी से ही वापस चला जाता है। और चंगेज खां जब सिंधु नदी से वापस चला गया तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपने बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर इस तरह से चंगेज खां जैसे भयानक आक्रमणकारी से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित किया है। इसलिए भी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर? क्या गजब की कुलना के कहने की पॉलिसी अपना रहा है। अगर मानकर चलिए 1% हम मान लें कि अगर चंगेज खान ने सिंधु नदी क्रॉस ही कर दिया होता तब क्या मामला होता, तो चंगेज खान अगर सिंधु नदी क्रॉस कर देता तो जो इस्लामिक स्टेट का पौधा अभी लग रहा था चंगेज खान उस पौधे को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देता। बहुत बड़ा प्रभाव हिंदुस्तान के इतिहास पर पड़ा होता।
आप ये देखिए कि इतिहास इसी को कहा जाता है, अगर एक डिसीजन इधर से उधर हो जाए आने वाली कई पीढ़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है महाराज, जैसा कि नेहरू जी ने कुल मिला के कश्मीर के मामले में डिसीजन लिया था। मैं आगे बताऊंगा कि कश्मीर प्रॉब्लम क्या थी और कैसे डिसीजन गलत हो गया। इसी प्रकार से अगर इल्तुतमिश ने मानकर चलिए मंगबरनी का साथ दिया होता तो ये चंगेज खान हिंदुस्तान के अंदर आ जाता और जो ये इल्तुतमिश की स्टेट थी इसको पूरी तरह से तहस नहस कर देता, और तहस नहस कर देता तो जो इस्लामी की स्टेट है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती और भारत में फिर इस्लाम का साम्राज्य कभी स्थापित नहीं हो पाता। ये मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी ना क्रॉस करना इस्लाम के लिए वरदान हो गया, इस्लाम के लिए वरदान हो गया, क्योंकि भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित हो गई और 550 सालों तक अंत तक कुल मिला के इस्लाम का शासन यहां रहा। तो इस तरह से कुल मिला के चंगेज खां के आक्रमण से भी इल्तुतमिश ने सुरक्षा किया। और क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है यह थोड़ा सा देखने की जरूरत है, बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैंने क्या कहा कि गजनी तो खत्म हो गया है, गजनी का कोई मतलब ही नहीं है, इस प्रकार से गजनी तो हमारे लिए डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन अभी कुवाचा जिंदा है, नासिरुद्दीन कुवाचा अभी जिंदा है। यहां दिल्ली में कुल मिला के इल्तुतमिश हैं। इसी समय क्या होता है, कुवाचा ने लाहौर को कुल मिला के लाहौर पर कब्जा कर लिया। अब कुवाचा ने जब लाहौर पर कब्जा कर लिया, कुवाचा ने कहां कब्जा कर लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया। किसने? कुवाचा ने। कुवाचा ने अब कुवाचा ने जब लाहौर पर कब्जा कर लिया तो इसी समय मैंने क्या कहा कि जब मंगबरनी इधर से निकल रहा था तो मंगबरनी ने नासिरुद्दीन कुवाचा को कुल मिला के पराजित कर दिया है, और पराजित कर दिया है तो उसके बाद कुल मिला के दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को लगता है कि यही समय है कि मुझे कुवाचा पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि मंगबरनी तो यहां से चले गए। तो कुवाचा को कुल मिला के क्या है कि सिंध के किले के चारों तरफ किसने घेर लिया, इल्तुतमिश ने घेर लेता है, क्योंकि अभी एक कांटा तो बचा हुआ है ना, एल्दौज वाला कांटा निकल गया, चंगेज खां वाला कांटा निकल गया, अब यही कांटा बचा हुआ है। तो अंततः कुल मिला के कुवाचा को इल्तुतमिश ने चारों तरफ से घेर रखा है, और घेरने के पश्चात कहा यार भाई साहब बाहर निकलो, जरा थोड़ा सा T20 का मैच हो जाने दो। कुवाचा को मालूम है कि पकड़े गए तो बहुत मार खाएंगे। अंततः नासिरुद्दीन कुवाचा साहब लड़ने से ज्यादा बेहतर ये समझ रहे हैं कि मरी जाना ठीक है, इसीलिए अंततः वो सिंध के किले पर चढ़कर सिंधु नदी में कूद जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और कुवाचा के मरने के साथ ही एक जो कांटा दिल्ली सल्तनत के लिए बचा था वो भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं इल्तुतमिश ने अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने बहादुरी के बल पर हर दृष्टि से कुल मिला के दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित किया है, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, इसलिए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आप देखिए शुरू से कुल मिला के कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि भारत के इंटरनल जो कुल मिला के एरिया है, जो राजपूत शक्तियों के हैं, उनको भी बैलेंस कर रहा है, उनको भी जीत रहा है, उनके ऊपर भी अपने आधिपत्य को स्थापित कर रहा है, और साथ में जो विदेशी आक्रांता है, चाहे वो कुल मिला के ताजुद्दीन एल्दौज की बात हो, कुवाचा की बात हो, चंगेज खां की बात है, इनसे भी कुल मिला के दिल्ली को सुरक्षित कर रहा है, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्लियर? और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि थोड़ा सा और हम लोग इस बात को समझें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि दिल्ली जो सल्तनत है, ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली की कैपिटल है, ये जो दिल्ली है या दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत ये इस्लामिक स्टेट है, धार्मिक राज्य है, क्योंकि जितने भी तुर्क आ रहे हैं वो पूरी तरह से इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो वो यहां पर आएंगे तो किस धर्म को स्थापित करेंगे, इस्लाम को स्थापित करेंगे। लेकिन इस्लामिक स्टेट को मान्यता तो तभी मिलेगी ना जब कुल मिला के बगदाद का जो खलीफा है, खलीफा का मतलब क्या है, जो कुल मिला के पैगंबर की मृत्यु के पश्चात उनके जो कुल मिला के प्रतिनिधि के रूप में, कुल मिला के प्रतिनिधि के रूप में जो वहां शासन कर रहे हैं उनको खलीफा के नाम से जाना जाता है। इस समय खलीफाओं का सेंटर बगदाद है। खलीफा का मतलब है इस्लामिक जगत का सर्वोच्च धर्मगुरु। तो जब आप धार्मिक स्टेट बनाएंगे तो धर्मगुरु से मान्यता तो मिलनी चाहिए ना। अगर धर्मगुरु से मान्यता नहीं मिलेगी, खलीफा उसको मान्यता नहीं देगा, तो यह कानूनी सल्तनत थोड़ी मानी जाएगी।
इसीलिए इल्तुतमिश के प्रभाव को देखते हुए बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने 1229 में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने 1229 में अपने दूतों को दिल्ली भेजा है। कहां भेजा है? अपने दूतों को दिल्ली भेजा। किस लिए भेजा? कि जाकर उसको खिलत दो। खिलत का मतलब है वैधानिक मान्यता। खिलत का मतलब है वह पोशाक जो कहीं ना कहीं खलीफा भेज रहे हैं सुल्तान के लिए कि आप इसको स्वीकार करिए, मैं आपको मान्यता दे रहा हूं। इस प्रकार से 1229 में बगदाद के खलीफा ने अंततः इल्तुतमिश को खिलत देकर इस प्रकार से वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। इस तरह से इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत एक वैधानिक सल्तनत बन गई, एक कानूनी सल्तनत बन गई। इसका मतलब यह है कि अब कुलना के इस्लामिक स्टेट की उसके ऊपर कुलना के मोहर लग चुकी है। इस तरह से इल्तुतमिश जो है बगदाद के खलीफा से कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त कर लेता है, यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश के विषय को अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें रियल फाउंडर के रूप में, तो बहुत से काम कर रहा है। इल्तुतमिश से इंटरनल मामले में बहुत से प्रशासनिक सुधार भी किए, प्रशासन भी बहुत जबरदस्त कर रहा है। वो शुद्ध 2 अरबी सिक्के चला रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, 1 चांदी का सिक्का चलाया जिसको टका कहते हैं, पूरे सल्तनत काल में सिक्के चल रहे हैं, और दूसरा जो है तांबे का चलाया और तांबे के सिक्के को जीतल कहते हैं। तो इस प्रकार से वो सिक्कों पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है, जिसको इक्ता सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश कुलना के और क्या व्यवस्था करते हैं, इक्ता प्रथा लेकर आता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इल्तुतमिश भारत में एकता प्रथा लेकर आया, तो एकता प्रथा क्या है ये हम जो लोग समझें, मान के चलिए कि ये अगर थोड़ा सा पूरे भारत को हम समझ लिया जाए और कुल मिला के ये मान के चलिए कि दिल्ली है, एकता व्यवस्था को लाने का उद्देश्य क्या है? प्राचीन भारत की सामंतवादी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और प्रांतों को या उन सामंती क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ने के लिए एकता प्रथा को लाया गया। एकता प्रथा को आज की भाषा में हम प्रांतीय व्यवस्था कह सकते हैं। क्लियर? अब जरा देखिए प्राचीन काल में क्या होता था। प्राचीन काल में मान के चलिए दिल्ली में कोई राजा है या कन्नौज में कोई राजा है, तो उसने जगह जगह अपने सामंत नियुक्त कर रखे थे। अब जगह जगह जब सामंत नियुक्त कर रखे थे, कोई बंगाल में था, कोई अवध में था, कोई मालवा में था, कोई गुजरात में था, कोई पंजाब में था, तो ये जो सामंत होते थे ये पूरी तरह से वंशानुगत हुआ करते थे। ये जितने भी सामंत थे वंशानुगत हुआ करते थे, इनके पास अपनी स्वयं की सेनाएं भी होती थी, ये एक तरह से अपने क्षेत्र में राजा की भांति व्यवहार भी किया करते थे। और जब ये केंद्र का राजा कमजोर हो जाता था तो ये सभी सामंत अपने को स्वतंत्र कर देते थे और अपने को राजा घोषित कर देते थे। भारत में कुल मिला के आप देखिए कि जब गुप्त काल का समय धीरे धीरे कमजोर होगा, यानी गुप्तों का समय जब कमजोर होगा, तो भारत में धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्थाएं अपने पैर पसारना शुरू कर देंगी। गुप्तोत्तर काल में बड़े पैमाने पर सामंत बड़े बड़े होंगे, और जैसे ही राजपूताना काल आता है हर जगह, मैं कह सकता हूं कि हर 10 किलोमीटर पर एक सामंत एक राजा हो गया। इसीलिए तो भारत टुकड़े टुकड़े हो गया यार। चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे, विक्रमादित्य जैसे शासकों ने पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट किया था, जैसे ही ऐसे राजा कमजोर हुए, इन सभी सामंतों ने अपने को स्वतंत्र करके छोटी छोटी रियासतों में राजा की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सब आपस में भयानक तरीके से लड़ा करते थे, ये संघर्ष करते थे। इसीलिए तो जो विदेशी शक्तियां आ रही हैं, आखिर ये बताइए महमूद गजनवी भारत पर 17 अटैक कर रहा है और 17 बार सफल हो गया, क्यों सफल हो गया? मैं बार बार कहता रहता हूं कि हिंदुस्तान को कभी भी बाहरी लोगों ने गुलाम नहीं बनाया है, हिंदुस्तान को गुलाम बाहरी लोगों ने यहां के लोगों के बल पर बनाया है। यहां के लोगों ने कुल मिला के बाहरी लोगों से हाथ मिलाया और कहीं ना कहीं हमारे धन को, हमारी अस्मिता को, हमारे हर चीज को लूटने में कुल मिला के इन लोगों ने मदद दी है। इंटरनल लोगों के कारण दुनिया के लोगों ने भारत पर शासन किया है। महमूद गजनवी 17 अटैक कर गया, मोहम्मद बिन कासिम आया छोटा सा लड़का 17 साल का, सब लूट खसूट के ले गया। यार बिना हमारे अंदर के लोगों की मदद के कुछ संभव हो पाया है? अंग्रेज आए साला जो है 1947 में तुम लोग 34 करोड़ थे, वो साले 93,000 थे, 93,000 यानी 1,00,000 लोग 34 करोड़ लोगों पर शासन कर रहे हैं, यार कहीं गले बैठती है बात है?
मुगल साले जो है मुट्ठी भर थे लेकिन शासन कर रहे हैं यार 350 वर्षों तक। आखिर कुल मिला के मुगलों को शासन करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इन्हीं राजपूतों का है यार, और किसका है? ये राजपूत जो है बनकर पिलर उनकी मदद कर रहे हैं। अगर ये राजपूत आपस में कुल मिला के एक हो गए होते तो हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल कुछ और होता यार। सब तो चौपट कर दिया राजपूत लोग, जाके अकबर के और जहांगीर के और शाहजहां के दरबार में तैनात रहते थे। अब पूरा अपना भी मान सम्मान खो रहे हैं यार, अगर शायद ये लोग आपस में एक हो गए होते, क्योंकि राजपूत वीर हैं यार, राजपूत वीर हैं, राजपूत चरित्रवान हैं, राजपूतों का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये आपस में एक नहीं है। अगर एक हो गए होते तो मुगल 350 वर्षों तक थोड़ी हिंदुस्तान में शासन कर पाते, दुख की बात है। यहां पर भी यही है कि कुल मिला के मैं यही बात आपको कहना चाह रहा था कि भारत में एकता प्रथा क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस बात को समझें। मैंने कहा कि सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करना इल्तुतमिश का उद्देश्य है। जैसे मानकर चलिए कि अगर ये हम दिल्ली मान लें, ये दिल्ली है, तो ये दिल्ली है तो उसने बंगाल में कुल मिला के एकता बना दिया, एक अवध में एकता बना दिया, ये अवध की एकता है, ये मालवा की एकता हो गई, ये बदायूं की एकता हो गई, ये बदायूं हो गया, ये पंजाब की एकता हो गई। इस प्रकार से एकता, एकता का मतलब क्षेत्र, अरबी शब्द है एकता, उसका मतलब है क्षेत्र। यानी प्राचीन भारत की सामंतवादी व्यवस्था के दोषों को समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश भारत में एकता प्रथा ला रहा है। एकता के मालिक को इक्तेदार कहा जाता था, इक्तेदार, इसको मुक्ता भी कहते थे, इसको वली भी कहते थे। और आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा इस बात को हम समझ लें, ये दिल्ली में सुल्तान बैठे हुए हैं, जैसे दिल्ली में सुल्तान बैठे हैं तो जगह जगह उन्होंने अपने आर्मी कमांडर नियुक्त कर दिए हैं। कहीं गुजरात की भी बात कर ले, ये गुजरात है, यानी उन्होंने कुल मिला के बदायूं में अपना इक्तेदार नियुक्त कर दिया, बंगाल के एकता में इक्तेदार, मालवा में, अवध में, इस प्रकार से गुजरात में, पंजाब में, मालवा में, अवध में, जगह जगह उसके इक्तेदार हैं, क्योंकि इनको एकता का दर्जा मिल गया है। जब तक सुल्तान चाहेगा तब तक ये इक्तेदार यहां रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। वंशानुगत सिस्टम कोई नहीं है, यानी कि इसने सैनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया, उनके पास अपनी स्वयं की सेना है। आप यहां पर जैसे मान लीजिए अवध में कोई इक्तेदार है तो आप यहां पर शासन करिए, जो भी राजस्व वहां से प्राप्त कर रहे हैं अपना और अपनी सेना का खर्च निकालिए, बाकी जो बचेगा वो दिल्ली दरबार पहुंचाइए, सरप्लस जो बचेगा इस प्रकार से। और अगर आपकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए यहां किसी इक्तेदार की डेथ हो गई, तो आपका पुत्र गद्दी पर नहीं बैठेगा, सुल्तान नया अपॉइंट करेगा। दूसरी चीज कि अगर आपको सुल्तान का मन है कि अवध से आपको मालवा भेजना है, मालवा भी भेजे जाओगे। यानी कि ये इक्तेदारी जो व्यवस्था है ये ट्रांसफरेबल भी है, हस्तांतरीय भी है, यानी सुल्तान के इशारे पर आपको एक इक्ता से दूसरे इक्ते में भी भेजा जा सकता है। आपके मरने के बाद दूसरे योग्य व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, यानी आपका पुत्र गद्दी पर नहीं बैठेगा। यही बात मैंने कहा कि भारत के कुल मिला के निश्चित रूप से इन क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ने के लिए अंततः इस इक्तेदारी व्यवस्था को इल्तुतमिश के द्वारा लाया जाता है। यह भारत में उसकी बहुत बड़ी प्रशासनिक सोच का कहीं ना कहीं नमूना है या कहीं ना कहीं उदाहरण है। इसलिए मैंने कहा कि इल्तुतमिश नो डाउट कहीं ना कहीं वो एक योग्य व्यक्ति है, चाहे वो सेना के बल की बात करें, सैनिक शक्ति के बल की बात करें, चाहे प्रशासन के बल की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में कहीं ना कहीं योग्य था। जैसा अपन अगर रिवाइज करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अपन पढ़ रहे थे, पहला कारण कि दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी कहा कि पहला कारण क्या था, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। दूसरा कारण क्या था कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तीसरा कारण क्या था कि ताजुद्दीन एल्दौज को मारकर गजनी और दिल्ली का संपर्क हमेशा के लिए खत्म करके दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र सल्तनत के रूप में स्थापित किया गया। चौथा, चंगेज खां जैसे भयानक आक्रांता से अपने बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित किया गया। पांचवा, जलालुद्दीन कुल मिला के कहने की पांचवा जो यहां कुवाचा था, जो कुल मिला के एक कांटा बना हुआ था, इस कुवाचा को घेरा जाता है और कुवाचा लड़ने से बचने के लिए अंततः सिंध नदी में कूद कर मर जाता है, यानी कुवाचा का अंत किया जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 1229 में स्वयं बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला ने इस प्रकार से इल्तुतमिश को खिल्लत दे दी है, यानी मान्यता प्रदान की है, यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में मैंने क्या कहा कि इल्तुतमिश ये बाहरी शक्तियों के साथ साथ इंटरनल जो शक्तियां हैं, जो राजपूत हैं, इनको भी बैलेंस कर रहा है, इनके ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित करके अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, इसलिए भी इसको वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो एक टॉप क्लास का प्रशासनिक अधिकारी भी है, एक प्रशासक है,
क्योंकि भारत में एकता प्रथा को लाकर उसने कहीं ना कहीं जितने भी प्रांतीय शक्तियां थी उनको केंद्र से जोड़ा, और साथ में प्राचीन भारत की सामंतवादी व्यवस्थाओं के कहीं ना कहीं जो दोष थे उसको इस एकता व्यवस्था के द्वारा समाप्त किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश नो डाउट एक योग्य प्रशासक और योग्य सेनापति है। इन दोनों गुणों के कारण, साथ में उसकी इन दोनों नीतियों के कारण अंततः उसने पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित भी किया, स्वतंत्र भी किया और उसको पूरी तरह से स्थायित्व भी प्रदान किया। इन सभी कारणों के कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। इस तरह से मेरी बात आज समाप्त होती है, कल हम लोग आगे मिलेंगे। बार बार मैं कहता रहता हूं कि संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए साहस के साथ परिश्रम करो और कहीं ना कहीं अपने मिशन को क्रैक करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।